1:09 का है ग्लिम्स कल्की 2898 AD का, जो अमिताभ बच्चन क्रिएटर है अश्वत्थामा वाला उसका, और इसका फुल ग्लिम्स आ चुका है। चलिए इसका रिव्यू करते हैं। और भाई ट्विटर में इतना खतरनाक ट्रेंड कर रहा है कल्की 2898 AD, और चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग सीन अंदर में से ओम का शॉट दिखता है, ऐसे कोई ओम कर रहा है, वो अश्वत्थामा ही है अमिताभ बच्चन। एंड अश्वत्थामा उर्फ अमिताभ बच्चन ऐसे भगवान महादेव के सामने ऐसे हाथ जोड़कर ध्यान लगा रहे हैं। एंड तब एक बच्चा आता है, ऐसे हाय बोलता है, ऐसे देखते हाय हाय ससुरा डिस्टर्ब कर रहा है और पूछता है मैं राया हूँ, आपका नाम क्या है। और फिर हमें अमिताभ बच्चन का ऐसे पुराना लुक दिखाया जाता है, यंग लुक। ऐसे यहाँ पर आप देख सकती हो, ये अमिताभ बच्चन का यंग लुक। और भाई यार यहाँ पर आप अमिताभ बच्चन का यंग लुक देख सकती हो। भाई यार कैसे किया होगा यार जिंदा, ये अमिताभ बच्चन को पूरी जवानी लौटा दी। और अगर इनका फेस आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इनके ऊपर ऐसे काफी सारा खून लगा हुआ है। एंड शायद ये वही वाला सीन है जहाँ पर भगवान कृष्ण इनको श्राप देते हैं, तभी ऐसे काफी दुखी है, इनके मुंह पूरा ऐसे खून खून लगा हुआ है। एंड इनके माथे पे ऐसे मड़ी चमक रही है, ये मड़ी इनको महादेव से मिली हुई थी, जिससे इनके पास ऐसे बहुत सारी शक्तियां थी, दिव्य शक्तियां इससे आ जाती के पास। और भाई यार तारीफ करना चाहूंगा नागार्जुन की यहाँ पर, क्या बनाया है। और फिर वो बच्चा बोलता है कौन सी भाषा में आपसे बात करूं, फिर वो बोलता है शायद हमारे बीच जनरेशन का गैप है, अमिताभ बच्चन ऐसे देखते भी हैं। और फिर वो बोलता है यू फाइट ऑसम, मतलब आप क्या कमाल के लड़ते हो। और हमने कल्की की फर्स्ट ग्लिम्स में देखा था कि वहां पर वो किसी ऐसे 3-4 बंदों से फाइट करते हैं, उनको गिरा देते हैं, लपेट देते हैं। और कॉस वो 4 लोग शायद से इस बच्चे के पीछे पीछे आ गए इसको मारने के लिए, इसको मारने के लिए वो लोग आ रहे थे, शायद से वो कली राक्षस जो है उसकी सेना है, वो लोग इसको मारने आए थे। एंड अश्वत्थामा ने उन सबका काम तमाम कर दिया एंड इस बच्चे की जान बचा ली। और यहाँ पर बोलता है दोज राइडर्स शूट यू, राइडर्स मतलब किसी चीज को पर वो लोग आए थे एंड इनको गोली मारी थी अश्वत्थामा को, बट यहाँ पर इनको कुछ नहीं हुआ, दर्द हुआ उस चीज का, बट वो यहाँ पर जिंदा रहे भगवान कृष्ण के शराब के कारण। और फिर वो बोलता है क्या आप मर नहीं सकते। और फिर मेन डायलॉग वहां पर वो बोलता है तुम भगवान हो। फिर अमिताभ बच्चन ऐसे जो करते हैं भाई वहीं से एकदम धक हो जाता है, एकदम मजा आ जाती है उस सुनकर ही। By any chance, तुम भगवान हो? और फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। फिर लड़का बोलता है कौन हो आप। एंड फिर वहां पर एकदम कमाल का शॉट आता है, ऐसे घुमाकर खींचते हैं, फिर ऐसे पूरा कपड़ा खुल जाता है और दीपक कुछ होते दीपक जल जाता है। और फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं द्वापर युग से दशावतार का इंतजार कर रहा हूँ मैं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। वो द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। और अगर इस सीन में भी आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक लाठी ऐसे इन्होंने ली हुई है एंड इनके ऊपर ऐसे मड़ी है कोई, जो कि चमक रही है ऐसे पीली पीली, जो कि यार गलत है साफ साफ। भाई यार भागवत में साफ साफ लिखा हुआ है भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की मड़ी निकाल ली थी, क्योंकि वो जो अर्जुन थे उनकी जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी पत्नी के जो पेट में बच्चा था अश्वत्थामा ने उसको पेट में मारने की कोशिश की थी, तो भगवान कृष्ण वहां पर गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने वहां पर उनकी मड़ी निकाल ली थी गुस्से के मारा। एंड उनको श्राप दे दिया कि तुम ऐसे भड़कते रहोगे एंड तुम्हारी जो पीड़ा दर्द ये सब जो खरोच घाव में कभी भरेंगे नहीं, तुम तड़पते रहोगे। और भाई अगर आज के युग से इसको हम लोग कंपेयर करें तो आजकल तो भाई यार ये कुछ वो कुछ नहीं था जो उन्होंने पाप किया, आजकल तो हर कोई ऐसा पाप कर रहा है एंड वो खुलम खुला से घूम रहा है मस्त। एंड अश्वत्थामा ने अपने सारे पापों को जो प्रायश्चित उसको पूरा कर लिया है, 30 साल से बेचारे इतना कुछ सह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी अश्वत्थामा एक गुड कैरेक्टर है एंड ये भगवान कल्की के साथ रहेंगे यहाँ पर एंड महायुद्ध में साथ देंगे जो कली राक्षस के खिलाफ होगा। और भाई यहाँ पर मेरे को एक और चीज ऐसे डाउट हो रही है, भाई हनुमान जी कहाँ पर है, वो भी तो चिरंजीवी में है, एंड भगवान परशुराम कहाँ है, शायद से अभी उनके भी इंट्रोडक्शन होंगे या फिर इसके जो अगले पार्ट आएंगे हनुमान जी एंड परशुराम जी उसके अंदर हमें दिखेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा। और एक और खुशखबरी है यार, मेकर्स ने इस बार भी इसकी रिलीज डेट नहीं बताई हमें, यार कब बताओगे, जल्दी बताओ, अब वेट नहीं होता हमसे। और टीजर यहाँ पर खत्म हो जाता है, ऐसे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आता है जो कि काफी सही लगता है मेरे को ऐसे। तो क्या आपने इसका टीजर देखा, अगर देखा तो आपको कैसा लगा। एंड एक और चीज आपको लग सकती है लाइक और सब्सक्राइब, भाई यार खींच मारो इस पर ऐसा कि दब जाना चाहिए। एंड मिलते हैं फिर।